हर घट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 बेटा लेक्चर टू स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 लेक्चर 2 स्टेकहोल्डर्स बेटे स्टेकहोल्डर्स की बातें कर रहे हैं शेयर होल्डर राइट्स हम कर चुके हैं चैप्टर 7 में मैं भूपेश आनंद मैं सीएमए आपके सामने खड़ा हूं भले आज मैं सीएमए हूं भले मैं आज अमेरिका लंदन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी फेल हुआ नहीं बेटे आज मैं ऐलान करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं भी बहुत बार फेल हुआ और फेल होना कोई गलत बात थोड़ी है मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं फेल होने के बाद अपनी गलतियों को ना पहचानना गलत बात है अपनी गलतियों को ढूंढना इंपॉर्टेंट है बेटे तभी जाकर आप नेक्स्ट टाइम पास हो सकते हैं आपको कई बार लगता है कि आप पेपर लिख कर आए हैं बहुत बढ़िया इतने नंबर आने चाहिए लेकिन नंबर कम आते हैं आप अपनी ट्रू कॉपी निकलवाते हैं फिर भी कुछ होता नहीं क्योंकि आप घर में लिख लिख कर पेपरों को नहीं करते आप पता नहीं बड़े हो गए अपने आप को समझते आप अपने आप को समझते हैं कि जैसे 30 मार्का बन गए बेटे बेटे लिख लिख के करते नहीं एथिक्स गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी को 2-3 बार मॉक टेस्ट में घर में लिख लिख के करो ITSA से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑडिट को लिख लिख के करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को लिख लिख के करो बेटे जब हम लिखते हैं तो प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस होती है तो हाथों को दोस्ती होती है और दोस्ती होती है तो बेटे शेयरिंग होती है और शेयरिंग होती है तो बेटे बड़ी बड़ी चीजें होनी शुरू हो जाती है तो आज के लेक्चर का एक अमूल्य बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको ITSA करना है आपको FM करना है आपको थ्योरी करनी है आपको डायग्राम्स बनाने हैं बेटे FM, IT और एथिक्स के 3 रजिस्टर अलग अलग बनाइए इमेजेस के डायग्राम्स के बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो 100 लेक्चर्स दिए मैंने 50 लेक्चर्स शॉर्ट नोट डिफरेंस बिटवीन और 50 कमेंट टाइप बेटे 100 लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड करना कोई छोटी मोटी बात है और बेटे 101 डायग्राम बेटे गंगा तो बह रही है अब आपको देखना है डुबकियां कितनी मारनी है बहाने कितने बनाने हैं बेटे दिसंबर जून निकलता जाएगा लेकिन ये समय जो आपका निकल जाएगा वापस कभी नहीं आएगा इस बात का ध्यान रखना 6 महीने लेट का मतलब है बहुत कुछ लेट 6 महीने जॉब लेट 6 महीने वाइफ लेट 6 महीने घर लेट 6 महीने गाड़ी लेट 6 महीने मजे लेट 6 महीने वर्ल्ड टूर लेट अब आप देख लीजिए आपको लेट करना या नहीं करना बहाने बनाने बेटे परेशानियां प्रॉब्लम्स तो हर समय आएंगी और नए नए तरह की आएंगी क्या खाली बहाने बनाते रहोगे क्या खाली दूसरों के सामने अपने लिए दया पात्री बनते रहोगे अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को जो दूसरों से दया चाहता हो बेटे अपने लिए कठोर बनो दूसरों के लिए दयावान बनो अपने लिए पिटी मत फील कराओ आपके पास कमी किस चीज की है यार 2 आंखें 2 हाथ हर चीज वो है जो मेरिट में आने वालों के पास होती है तो फिर किस बात के बहाने क्या हो गया अगर ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो यार लोग ट्रेनिंग के साथ साथ मेरिट में आते हैं ये अपने आप को छोटा करना छोड़ दीजिए और जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए आज बेटा लेक्चर 2 की तैयारी है महाभारत की तैयारी है लेक्चर 2 चैप्टर 8 बेटे चैप्टर का नाम है स्टेक होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो लेक्चर 2 में मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन करें और बेटे मेरी बुक पहले ओपन कर लें आइए बेटे एक बार बुक में देखेंगे और बहुत सारी बातें आज मैंने गूगल बाबा से भी बतानी है ये लीजिए बेटे ये बेटे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर राइट्स में आज ये थोड़ी सी ये बातें करूंगा और थोड़ी सी स्टेक होल्डर्स की बातें भी बताऊंगा एंगेजमेंट की बातें करेंगे तो मुख्य तौर पर आज पहला और दूसरा कंसेप्ट चलने वाला है जो आज आपके लिए ज्ञान प्राप्त करेगा भले ये चैप्टर ये सब्जेक्ट बच्चे खुद कर लेते हैं लेकिन ईमानदारी से बताऊं अगर आप ये लेक्चर्स देख के कर लेते हैं और नोट्स बने बनाए मिलते हैं तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं
आप पेन ड्राइव या आप कोचिंग इसलिए नहीं ले रहे कि आप नालायक हैं, आप इसलिए ले रहे हैं कि आप स्मार्ट हैं, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप 6 महीने किसी भी हालत में वेस्ट नहीं करना चाहते। तो दूसरा कंसेप्ट और पहला आज हम डिस्कस करेंगे बेटे। बेटे उसके बाद मैं आज मुख्य तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर टू है बेटे वो बताऊंगा। एंगेजमेंट की बातें करेंगे बेटे, एंगेजमेंट की बातें करेंगे, शेयर होल्डर्स रोल्स टाइप थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ दिस एंड देयर एंगेजमेंट, ये तो मैं बता चुका बेटे। एंगेजमेंट क्वेश्चन नंबर 5 मुख्य तौर पर आज करने वाले बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 कि शेयर होल्डर्स की एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैं आज आपको सिंगूर ले जाऊंगा जहां पर रतन टाटा ने अपना पहला नैनो प्लांट स्टार्ट किया था और वहां के गांव वालों से जमीन मांग ली थी, फिर ममता मैडम से प्रॉब्लम हुई तो गुजरात आ गए और उस वजह से आज नैनो का प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि शायद सिंगूर में उन्होंने जब लैंड लिया था तो स्टेक होल्डर्स की बातें नहीं समझी थी रतन टाटा ने। आइए हम उन सब बातों को देखेंगे कि स्टेक होल्डर होता क्या है। बेटे 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 मैं स्टेक होल्डर की बातें करूंगा, मैं आपसे वेस्ट बंगाल की बातें करूंगा, मैं आपसे सिंगूर की बातें करूंगा, मैं आपसे ममता बनर्जी की बातें करूंगा और मैं ये कहूंगा कि एंगेजमेंट का मतलब क्या है। एक होता है बेटे रिंग एंगेजमेंट, एंगेजमेंट हो गई। एक लड़का जब दूसरी लड़की को अंगूठी पहनाता तो एंगेजमेंट हो गई। सब देखेंगे। आइए मेहरबान क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे, फिर बेटे आज हम स्टेक होल्डर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे और बेटे एक्टिविटी एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे। तो मुख्य तौर पर मैं आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तीन क्वेश्चन करने वाला हूं। आप जल्दी से आ जाएं और जल्दी से मेरी बात को सुनना शुरू कर दें, लाइफ में आपके जादू होने वाला मेरे बेटे। जादू तेरी नजर बेटे, गाना भी आया हुआ है, आज मेरी नजरों से जादू होगा और आपको समझ आएगा कि स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। झटपट रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे, लाइफ में ये समय वापस आए ना आए, कल हो ना हो, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में लेक्चर 2 को खोले हुए खड़ा हूं और लेक्चर 2 में मैं जो मैंने लेक्चर 1 में कहानी शुरू की थी स्टेक होल्डर्स बेटे, लेक्चर 1 में मैंने कहा क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स होते क्या है, स्टेक होल्डर्स के एग्जांपल्स क्या है, स्टेक होल्डर्स की टाइप्स क्या है। बेटे ये सब करने के बाद हम आज के लेक्चर में झंडा फहरा रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बेटे आज के लेक्चर में मैं स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट की बातें करूंगा। मैंने आपको यहां तक बता दिया कि सोसाइटी, आपको बता दिया आपके पेरेंट्स, आपको बता दिया कस्टमर्स, आपको बता दिया शेयर होल्डर्स, आपको बता दिया क्रेडिटर्स, आपको बता दिया सप्लायर्स, आपको बता दिया गवर्नमेंट, आपको बता दिया सोसाइटी। ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एंटिटी को ऊपर या नीचे करने में। तो सवाल आता है कि जब ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सप्लायर्स और रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इन सब के साथ एंगेज रहना चाहिए। मैं आज के इस लेक्चर 2 में बेटे मुख्य तौर पर स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट की बातें करूंगा, मीनिंग बताऊंगा और इसके प्रोसेस की बातें बताऊंगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, किस तरह से हम इन लोगों को एंगेज कर सकते हैं और उसका फायदा क्या होगा। तो 3-4 क्वेश्चंस मुख्य तौर पर मुझे आज आपके सामने रखने हैं। पहला, What is stakeholders engagement? Stakeholders engagement होती क्या है? पहली बात। Why it is important
important to have stakeholders engagement. Stakeholders की engagement होना important क्यों है? और बेटा तीसरा, what is the process? What is the process? ऐसा कौन सा process है जिससे हम stakeholders के साथ engage हो सकते हैं? बेटे उसमें क्या steps हैं? ऐसे कौन से steps हैं? बेटे बस आज मुख्य तौर पर मुझे engagement की बातें करनी है। एक बच्चा झुक के बैठा था, वो कहता है ये engagement engagement क्या कर रहा है, master पागल तो नहीं हो गया? बेटा सोचना तो उसको जो कहता कहने दो, क्योंकि झुक के बैठा हुआ है, उसकी लाइव एनर्जी तो फ्लो हो ही नहीं रही। जो सोचता सोचे यार, आपको क्या, आप मेरे तरफ ध्यान दो बस, आप मुझे देखो बस, आप उसकी बातें छोड़ दो बस, मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आपको आज सिंगूर के एक केस स्टडी में लेके चल रहा हूं। आइए जरा देखें, मैं लाइव हूं इस समय और देखें कि क्या कहना चाह रही है ये सिंगूर की। मैंने बेटे गूगल गूगल में पहले ही डाल दिया, ये देखिए मैंने बेटे गूगल में सर्च में पहले ही डाल दिया था टाटा मोटर्स इन सिंगूर। ये देखिए जी, मैं चलिए इमेजेस दिखाऊं पहले, बेटे इमेजेस देखिए। टाटा मोटर्स प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, टाटा मोटर्स ने अपनी लख टकिया जब बनाई तो उसका प्लांट सिंगूर में रखा, वहां के किसानों से लैंड खरीद लिया, वहां फैक्ट्री बनाई, वहां पर पॉलिटिक्स, वहां की गवर्नमेंट को एंगेज नहीं किया। तो ममता बनर्जी मैडम को बड़ी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस दुनिया जानती है क्या हुआ, आखिरी में वो प्रोजेक्ट ही सिंगूर का बंद करना पड़ा रतन टाटा को। तो बेटे बेटे ये चेक करिए, देखिए पुलिस आ चुकी, उसके बाद ये सारे प्लांट्स लग गए थे और बस प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी, लेकिन ममता मैडम आ गई और ममता मैडम ने कहा कि जिन किसानों से जो जो लैंड लिया है आप सब वापस करो, वापस करो। बेटे आइए मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, ये देखिए ममता मैडम आ गई, ये सिंगूर का प्लांट की प्रोडक्शन बंद हो गई। बेटे कहीं ना कहीं अगर आप सिंगूर केस स्टडी देखें तो आपको सिंगूर केस स्टडी से स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट की बातें आएंगी। अगर टाटा मोटर्स ने पहले से ही सबको एंगेज किया होता, वहां के किसानों को एंगेज किया होता, वहां की गवर्नमेंट को एंगेज किया होता, वहां के सराउंडिंग्स को एंगेज किया होता, वहां के एम्प्लॉयज को एंगेज किया होता, वहां के कस्टमर्स को एंगेज किया होता, तो शायद वहां का प्लांट बंद नहीं होता। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए जो जो भी इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स, चाहे वो माइंड से रिलेटेड है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो इम्प्लॉयज हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, उन सब का भी ध्यान देना जरूरी है। और ध्यान देने का मतलब है उन सबको एंगेज करना है। आइए मैं देखूं एंगेजमेंट का मतलब होता क्या है, आपको थोड़ा सा बताऊं कि व्हाट इज एंगेजमेंट। चलिए एंगेजमेंट क्या होता है बेटे, आज के मुख्य तौर पर मैं ये बताने जा रहा हूं व्हाट इज शेयर होल्डर्स एंगेजमेंट। बेटे एक कॉर्पोरेट एंटिटी को स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है तो मैं कहूंगा एक ये टूल है जो अलायंस, इट इज अलायंस टूल इन बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स। बेटे स्टेक होल्डर्स और कंपनी के बीच में ये एक अलायंस टूल है। मैं कहूंगा इट इज अ प्रोसेस, मैं ये भी कह सकता हूँ स्टेक होल्डर एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन हैव डिसीजन मेकिंग बाय इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे घर में हम सब मेंबर्स रहते हैं और आप सब भी फैमिली में रहते हैं। सपोज करते हैं कि आपके भाई की दीदी की मैरिज है और लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं या घर नया खरीदना है और आपसे ना पूछा जाए बाकी सब मेंबर से बात की जाए तो आपको क्या वो अच्छा लगेगा या गंदा लगेगा? और आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, आप बोलते कम हैं। बेटे आप भले बोलते कम हैं स्टिल फैमिली मेंबर्स के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को इन्वॉल्व करें, उन सभी को एंगेज करें, उन सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं।
कि जो फैमिली में मेजर डिसीजन होने जा रही है बेटे, मैरिज एक मेजर डिसीजन है बेटे, घर खरीदे या ना खरीदे, गाड़ी कौन सी ले, इट इज अ मेजर डिसीजन. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड बी इन्वॉल्व्ड. बिल्कुल इसी तरह से एक कंपनी बढ़िया चल रही है, उसके 10 फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री को बंद करना है. अब वो फैक्ट्री को बंद करने से क्या इम्पैक्ट होगा इम्प्लॉइज पे, क्या इम्पैक्ट होगा वहां की सराउंडिंग्स पे, क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, क्या इम्पैक्ट होगा सप्लायर्स पे, बेटे इन सभी चीजों को आपको पहले से जज करना पड़ेगा. और उन इंटरेस्टेड पार्टी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी बेटे, एक प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, और उसके बाद विजन अपना आपको उनको गोल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो डिसीजन लेगी ना वो फ्रूटफुल रहेगी. एक तरफा डिसीजन ले लिया आपने, अपने आप ले लिया डिसीजन कि इस फैक्ट्री को बंद करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस इट कैन बी अ रॉन्ग डिसीजन बेटे. इससे कंफ्लिक्ट्स हो सकते हैं बेटे, कस्टमर्स मीडिया के पास जा सकते हैं, जैसे जैसे सिंगूर में हुआ बेटे. कस्टमर्स अगर मीडिया के पास जाएंगे या कुछ लोग मीडिया के पास जाएंगे, भाई ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी ने ऐसा किया, तो मीडिया इस चीज को हाईलाइट कर सकती है और अल्टीमेटली बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है जैसा सिंगूर में हुआ. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ नहीं अभी तक जो भी बताया मान लो बेकार बताया, मैं ये कहता हूँ आज आपको सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना पड़ेगा. उस एंगेजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं. व्हाई स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, व्हाट इज स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट मीनिंग, और उसके बाद उस प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं बेटे, ये सारी बातें आज करेंगे. और जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम लिखेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे, फिर हम हाईलाइट करेंगे. आइए आइए जल्दी से बेटे रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बड़ी मेहनत से स्लाइड बनाइए. आइए बेटे, बेटे यकीन मानिए बहुत मेहनत की है. इस आधे घंटे के लेक्चर के नीचे कितना होमवर्क होता है शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे बेटे. पूरी स्टडी को चाटना, उसका बादाम रोगन निकालना, उसका जूस निकालना, उसकी फिर स्लाइड्स बनाना, उसके बाद ड्रामे करना, फिर बुक बनाना, बुक में हाईलाइट करना, आसान काम नहीं है ये. इश्क नहीं आसान, लगता है आसान है नहीं. आइए शुरू करते हैं रजिस्टर में चैप्टर 8 स्टेक होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेक्चर 2 स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट. आज का एजेंडा है तो पहला सवाल मेरा आपसे आज जो मैं आपको आंसर करूंगा, पहला सवाल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पूरा कर लेते बेटे इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट. स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट का क्या मीनिंग है, ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट. और मैंने पहले स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का मीनिंग लिख दिया, आप ऐसे ही डायग्राम बनाए जैसे मैंने बनाया बेटे.